ये और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हम लोग जो स्ट्रीम्स हैं, जो पानी बह के सब चला जाता है, उसको रिचार्ज करने के लिए जो एक्वीफर है, एक्वीफर के अपोजिट रोकते हैं। डैम तो चेक डैम तो झारखंड में बहुत बने हैं, लेकिन झारखंड का इंजीनियर और एग्रीकल्चर इंजीनियर ये कदाचित नहीं विचार करता कि हम एवोपरेशन लॉस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसको लगा, उसने जहां ठीक से देखा, एक डैम डिजाइन कर दिया, चेक डैम डिजाइन कर दिया, बना दिया। कभी भी सब सरफेस एक्वीफर और अंडरग्राउंड एक्वीफर और उसके फ्रैक्चर की रेस्पेक्ट इंजीनियर नहीं करता, क्योंकि उसकी पढ़ाई में वो उसको पढ़ाया ही नहीं जाता। उसको किसान जानता है, किसान के पास ये ज्ञान है कि यदि हम फ्रैक्चर के अपोजिट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सारा पानी उसके कुएं में चला जाएगा। मैं वो फ्रैक्चर दिखाता हूं। देखो ये जो फ्रैक्चर है, कुछ फ्रैक्चर ऐसे हैं वर्टिकल और कुछ फ्रैक्चर ऐसे हैं। इन सारे फ्रैक्चर का दो तरह के फ्रैक्चर होते हैं। नेक्स्ट लाइन, कुछ फ्रैक्चर होते हैं कंफाइंड कंफाइंड फ्रैक्चर एक्वीफर और कुछ होते हैं अनकंफाइंड। ये जो फ्रैक्चर कंफाइंड है वो सब सरफेस से पकड़ में आ जाता है और सब सरफेस से पकड़ के उसके ऊपर यदि आपने स्ट्रक्चर बना दी तो वो पानी नीचे तक आ जाता है और फिर आपके कुओं में और झील में सब जो भी आपका सब सरफेस एक्वीफर है वो रिचार्ज हो जाता है। ये जो एक्वीफर है इसका फ्रैक्चर के साथ रिश्ता ये होता है, जैसे हमारे हाथ में वेन्स होती है और फिर ये सब हृदय से उसका संबंध होता है। सारे फ्रैक्चर का रिश्ता ये नहीं होता, क्योंकि फ्रैक्चर बहुत सारे फ्रैक्चर अनकन्फाइंड भी हैं, लेकिन ज्यादातर फ्रैक्चर का रिश्ता जैसे हमारे हार्ट के साथ हमारी आर्टरी और वेन का है, वैसे ही वहां के एक्वीफर के साथ होता है। हमारा हार्ट एक ही होता है शरीर में, लेकिन धरती में बहुत सारे हार्ट हैं, उसमें बहुत सारे एक्वीफर हैं। सब सब जगह के एक्वीफर अलग अलग हैं, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, लेकिन उसका उस एक्वीफर के साथ रिश्ता होता है। इसकी समझ करना जरूरी है और इसको रिचार्ज करने का सिंपल सिद्धांत यह है कि आपकी पहाड़ियों में जो पानी बरस रहा है, यदि आप उसको चलना सिखा दे, बीच बीच में छोटे छोटे लूज स्टोन चेक डैम और वेजिटेटिव चेक डैम बना दे और फिर पहाड़ के नीचे एक कॉनकेव स्ट्रक्चर बना दे एक्वीफर के अपोजिट, तो वहां का पानी सब इसमें आ जाएगा और आपके जो कुएं हैं और जो आपकी नदी है उस सब में पानी आने लगेगा। वाटर लेवल जैसे ही ऊपर आएगा फ्लो करने लगेगा। नेक्स्ट, ये कुआ जब ये पानी का काम नहीं हुआ था तब 85 फीट गहरा सूखा था और हमारे इलाके के 2.5 लाख कुएं जो बिल्कुल सूखे थे, जिनके कारण पानी नहीं था, तो गांव के लोग लाचार बेकार और बीमार होके गांव छोड़ के शहरों में चले गए थे। जब ये दोबारा पानी आया और कुएं दोबारा रिचार्ज हुए तो हमारे गांव के सारे लड़के वापस आ गए और वापस आके क्या किया, इन्होंने खेती इस तरह से उगाई कि जहां मिट्टी में मॉइस्चर है उतनी गहरी ट्रेंचेस को दी और उसमें बीज डाल दिए सब्जियों के और फिर ऊपर से सूखी मिट्टी डाल दी दोनों तरफ से। तो एक तो नीचे का जो मॉइस्चर था उसका एवोपरेशन रुक गया, ऊपर उड़ेगा नहीं और नीचे नमी वो मेंटेन करके रखेगा। बिना सिंचाई के हमारी सब्जियां उगने लगी और पुराने जमाने में इस पानी के काम से पहले हमारे लड़के जयपुर के सेठों के ट्रक भरते थे बेलदारी, यहां बोरी रख के ट्रक में भरने का काम करते थे। अभी वही लड़के जयपुर के सेठों को रोजगार देते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कैसे रोजगार देते हैं। हमारे इलाके में करीब 350 ट्रक रोजाना सब्जी जाती है दिल्ली। वो जो ट्रक हैं, इन लड़कों ने अपने उन्हीं पुराने दिन के ट्रक भरते थे, उन्हीं के ट्रक सब्जी भेजने में लगाए। हमारे राजस्थान के लोग थोड़ा उन रिश्तों को बना के रखते हैं, भले ही कल तक उनके मजदूर थे, आज उनको रोजी रोजगार देने वाले बन गए, लेकिन रिश्तों को मेंटेन करके रखा और अभी उनको जब भी थोड़ी बहुत कमी भी होती है तो दोनों मिलके अच्छा काम कर रहे हैं।